हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज बच्चों मैं आप लोगों से विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड जो कि एक्सरसाइज 3 में क्लास 10th का दिया हुआ है उसमें तीन मेथड बच्चों आप लोगों को समीकरण में पढ़ना पड़ेगा। विलोपन और आपका प्रतिस्थापन और एक वज्रगण, ये तीनों बहुत ही अनिवार्य आपको स्टडी करना है बच्चों, जिसमें से सबसे आसान विलोपन विधि है। इस एलिमिनेशन मेथड को सबसे पहले आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद उन दोनों विधियों पर भी मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डालूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे एक बार में बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से समझेंगे। तो फिर मैं बिना कोई देरी किए बच्चों विलोपन विधि आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ बच्चों, एक्स प्लस y 5 x माइनस y 3। आपके पास दो समीकरण दिया हुआ है, x प्लस y 5 और x माइनस y 3। इन दोनों समीकरण से आपको हल करना है बच्चों, हल करके x और y का वैल्यूएशन निकालना है कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। इसके लिए बच्चों आपको विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। x कितना जोड़ के 5 आएगा और इन दो संख्याओं को घटाने पर बच्चों 3 आएगा। बस एक एक बात को आप ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूं और इसको समीकरण 2। पहली प्रक्रिया आपको करनी है कि समीकरण 1 मान लेनी है और समीकरण 2 मान लेनी है। उसके बाद बच्चों आप लोग जोड़ जानते ही होंगे, आपको जोड़ कर देना है, बस इन दोनों को जोड़ देना है। 5 और 3 8 होता है बच्चों, प्लस माइनस सेम रहे तो प्लस माइनस रहे तो वो कट जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों। इस तरह से का पैटर्न तो आप लोगों को मालूम ही होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। जिसको भी याद नहीं है बच्चों वो इस तरह से याद कर ले इस ट्रिक से कि अलग अलग चिन्ह रहे तो फिर माइनस ही होगा और सेम चिन्ह रहे तो प्लस होगा। देखिए अलग अलग चिन्ह है, प्लस है माइनस है, अलग अलग है तो माइनस होता है, यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है बच्चों, और अगर अलग अलग चिन्ह जैसे यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस होगा, सेम चिन्ह जैसे प्लस प्लस है बच्चों तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस है तो प्लस होगा। तो इसको माइंड में ऐसे सेटअप करना है बच्चों कि अलग अलग चिन्ह रहे तो आपको माइनस दिखना है, और अगर सेम चिन्ह रहे बच्चों तो आपको प्लस दिखना है। तो इस तरह से आपको ये हमेशा याद रहेगा और ये बहुत ही यूजफुल है बच्चों मैथ्स पढ़ाने के लिए। तो हम सबसे पहले 5 3 8 जोड़ दिए, समीकरण 1 और 2 को मैं बच्चों जोड़ रहा हूँ, आप ध्यान देना 5 3 8 और अलग अलग चिन्ह है, प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये आपका वाई वाई कट जाता है। जब भी बच्चों अलग अलग चिन्ह में सेम कुछ भी रहे तो उसको आप कट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस फाइव वाई कट हो गया आपका, इस तरह से कट कर देते हैं। नीचे 0 लिखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं बता दूं बच्चों कि अलग अलग चिन्ह में रहे और वो सेम रहे तो कट रहे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस का मतलब वाई में वाई घट गया यानी कट गया वो पूरी तरह से। यहाँ बच्चों छुपा हुआ चिन्ह प्लस का है, प्लस 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 होगा यानी जोड़ना पड़ेगा बच्चों आपको, 1 1 2 x यहाँ पे आता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों इसे आप समझ गए होंगे। मैं फिर से दोहरा दूं, आपको पहले समीकरण को 1 मान लेना है, दूसरे को 2 मान लेना है, इसको जोड़ना है, 5 3 8 हुआ, अलग अलग चिन्ह में है बच्चों सेम तो प्लस माइनस माइनस होता है, आप वाई वाई कट कर दीजिए और 1 x 1 x आपका 2 x, इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि यहाँ छुपा हुआ चिन्ह प्लस का है। कभी भी चिन्ह छुपा हुआ बच्चों हो तो आपको इसके पहले प्लस ही समझना है, और प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस होता मतलब जोड़ना है आपको, 1 और 1 ये 1 x है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बच्चों तो आपको 1 समझना है। तो यहाँ 1 x है, यहाँ 1 x है, 1 और 1 2 x आता है। अब बच्चों आपको ये 2 और x के बीच में यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो गुना में 2 है, इधर आप लाओगे बराबर के बाद तो वो आपका बटे में चेंज हो जाएगा। गुना जब भी बराबर के बाद आता है तो वो बटे में चेंज हो जाता है। 2 से 8 कटा 2 चौके 8 या x 4, बहुत ही आसान तरीके से बच्चों आपका x का मान 4
आ गया। अब इस मान को आप समीकरण एक हो चाहे दो हो, किसी में भी आपको जिसमें सुविधा हो, इन दोनों समीकरण में से किसी में मान रखकर आप y का मान भी निकाल सकते हो। तो यहां लिख देना है समीकरण, जैसे मैं एक में रख रहा हूं बच्चों, तो समीकरण एक में x का मान रखने पर, इसको मैं राउंड कर देता हूं, यहां समीकरण एक में, समीकरण एक को बच्चों आप उतार लो, देख देख के जो भी दिया हुआ है, समीकरण एक है आपके पास एक्स प्लस वाई फाइव, एक्स प्लस वाई फाइव यहां लिखा हुआ बच्चों। अब बस एक्स का मान फोर है, ये एक्स का मान फोर आया है, आप इस एक्स के स्थान पे यहां पर फोर लिख दे बच्चों, फोर प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, प्लस फोर जब भी बराबर के बाद जाए, कोई भी बच्चों जात के पास जाना चाहता है, जाति का तात्पर्य वह ये संख्या है, तो ये संख्या भी उसी के पास जाएगी, तो ये प्लस फोर जब बराबर के बाद आएगा बच्चों तो वो माइनस फोर हो जाएगा, या वाई इज इक्वल टू फाइव के पास प्लस फोर लाओ माइनस फोर, और फाइव में फोर आता है बच्चों आपका वन बचता है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे बच्चों। आपका एक्स का आंसर आता है फोर और y का आंसर आता है 1। अगर आपको जांच करना हो कि मैंने सही बनाया या गलत, तो आप ये मान को यहाँ पुट करो, x के स्थान पे 4 और प्लस y के स्थान पे 1, तो 4 और 1 जब जोड़ेंगे तो 5 हो गया बच्चों, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो गया। इस तरह से आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। एक बात आप और ध्यान दे दें बच्चों, आपका समीकरण दिया हुआ रहेगा, आप एक और दो मान लोगे, इसको पहले जोड़ोगे, 5 3 8 हुआ, प्लस माइनस आपका सेम है अंक, सॉरी ये वाई वाई सेम है, और प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह, तो प्लस माइनस ये कट हो गया, एक एक्स और एक एक्स आपका 2x होता है, गुना में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगी, और 2 से 4 बार में कटेगी। इस मान को हम समीकरण एक में डाल देते हैं बच्चों, समीकरण एक है x प्लस y 5, x के स्थान पे बच्चों ये 4 मैंने डाल दिया, प्लस y 5, प्लस 4 इधर लाओगे तो माइनस 4, और 5 में 4 गया 1, x का आपका आंसर 4 आ गया, y का 1 आ गया। आप इसको अगर बच्चों नहीं समझे हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसी में देता हूं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझोगे। जैसे मान लीजिए x प्लस y दिया हुआ है 6 बच्चों, और x माइनस y 4 दिया हुआ है। अब ये सवाल है x प्लस y 6, x माइनस y 4, आप इसको कैसे सॉल्व कीजिए, बस कुछ नहीं जोड़ना है, 6 4 बच्चों यहां पर 10 कर दीजिए, देखिए कितना आसान बनेगा। प्लस माइनस अलग अलग है, आप कट कर दीजिए, कट हो गया 1 2x हो गया, गुना में 2, बस इसको यहां से मैं साफ कर देता हूं, तुरंत बन जाएगा बच्चों, ये देखो गुना में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगी, 2 से 2 5 10, और x का वैल्यू आपका 5 आ गया। इस मान को हम समीकरण एक में रखते हैं, समीकरण एक है x प्लस y 6, तो x प्लस y आपको यहां पर 6 ले लेनी है, यहां x प्लस y आपको 6 ले लेनी है, और फिर x का जो वैल्यू है बच्चों, x का वैल्यू आप 5 लाए हो, यहां पर x के स्थान पे आप 5 लिख दो, प्लस y 6, प्लस 5 जब भी उधर लाओगे बच्चों बराबर के बाद देके जाओगे माइनस हो जाएगा, या y इज इक्वल टू 6 के पास प्लस 5 लाएंगे तो माइनस 5, और 6 में 5 1। इस तरह से आपका आंसर x का 5 और y का 1 आता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसके पहले जो संख्या होती है वो संख्या वाला सवाल आपको बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं तुरंत बता रहा हूं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों अब आप लोग के पास क्वेश्चन है 3x प्लस 4y 10 और 2x माइनस 2y 2, ये बच्चों थोड़ा उससे हल्का सा टफ बनेगा, हल्का सा भारी बनेगा बच्चों, बट आप ध्यान देना, 3x प्लस 4y 10 है और 2x माइनस 2y 2 है, प्रक्रिया वही रहेगी बच्चों, बस आप ध्यान से देखते रहो। इसको आपको समीकरण एक मान लेना है और इसको आपको समीकरण दो मान लेना है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, थोड़ी सी प्रक्रिया बढ़ेगी बच्चों, सेम लाने के लिए इस एक और दो दोनों में आप गुना का चिन्ह दे दो पहले, और एक बनाने के लिए बच्चों समीकरण एक को बनाने के लिए दो के फर्स्ट में ले, दो के फर्स्ट में दो है
तो इससे गुना कर दो आप, समीकरण एक को कर दो से गुना, और दो बनाने के लिए एक के फर्स्ट में जो है तीन बच्चों वो यहां लिख दो। मैं फिर से बता देता हूं बच्चों आपको, एक समीकरण एक के लिए आपको दूसरा का जो ये दिया हुआ अंक यहां से गुना कर दे, और दो बनाने के लिए बच्चों एक के फर्स्ट में जो अंक दिया है वो यहां से गुना कर, बस उल्टा उल्टा कर देना बच्चों। एक को गुना करना है आपको समीकरण दो के ये दो से, और दो को गुना करना है बच्चों इसके तीन से। हर एक सवाल में यही प्रक्रिया दोहराएगी, फिर आपको आसानी से गुना कर देना है सबको। दो से दो दिया ही 6x, प्लस का चिन्ह दो बच्चों, दो चौके 8y और 10 दूनी आपका 20 हो जाता है। फिर इस तीन से बच्चों, इस तीन से फिर तीनों को गुना कर देना है आपको, 3 × 6x, फिर 3 × 6y और 3 × 6। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ गए होंगे। आप ध्यान दो बच्चों, एक दो समीकरण पहले आपको मान लेना है, मानने के बाद समीकरण एक को आपको दो के जो फर्स्ट में है इस दो से यहां गुना करना है, और दो को एक के जो फर्स्ट में है तीन उससे इसको गुना करना है। और आसान गुना करने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इस दो से आप तीनों गुना कर दो, 2 × 6 हो जाएगा, 2 × 8 हो जाएगी और 2 × 20, फिर 3 से बच्चों 3 × 6, 3 × 6 और 3 × 6, इस तरह से बच्चों आपको गुना पहले कर देना है। उसके बाद बच्चों आपको देखना है कि इसमें सेम सेम कट रही है या नहीं। आप देखिए 20 × 6 सेम तो है नहीं, 8 × 6 भी सेम नहीं है, ये 6 × 6 सेम है, लेकिन प्लस 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 होता है और प्लस प्लस को आप कट नहीं कर सकते हो, इसलिए इसमें घटाव क्रिया करनी पड़ेगी बच्चों। घटाव क्रिया करने से क्या होगी, ये अलग अलग चिन्हों में आ जाएगी। आपको घटाव का नियम तो मालूम ही होगा एलजेब्रिक घटाव, कि आपको चिन्ह बदलना पड़ता है, घटाव करने के लिए आपको चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है बच्चों, कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है, प्लस का उल्टा आपको माइनस लिखना है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का उल्टा बच्चों आपको प्लस लिखना है, यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है इसका उल्टा बच्चों आपको माइनस लिखना है। बस आपको चिन्ह अपोजिट कर देना है, घटाव क्रिया हो जाएगी। प्लस का यहाँ उल्टा माइनस, माइनस का आपको उल्टा प्लस, और फिर प्लस का उल्टा माइनस। अब बच्चों देखो यहाँ प्लस माइनस, माइनस होता है घटाना है, यहाँ पर कुछ तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 आपका 14 हो जाता है घटा के। उसके बाद बच्चों आपको प्लस 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 करना होता है, प्लस अब इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता है बच्चों, याद रहे आपको इसको बिल्कुल छोड़ देना है। जब आप चिन्ह चेंज करते हो तो सिर्फ जो चिन्ह चेंज किए उसी की ओर ध्यान देना है, ऊपर वाला और फिर जो ये चिन्ह चेंज किए हो, तो प्लस 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 आता नहीं, जोड़ देना है आपको 8 × 6 = 14 y। देखना अधिक के पास कौन चिन्ह है बच्चों, तो 8 अधिक है, अधिक के पास प्लस है, इसे यहाँ पर प्लस ही रहेगी, ये प्लस माइनस माइनस ये आपकी कट हो जाएगी बच्चों। फिर आप गुना में 14 है इधर लाओगे तो बटे में 14 हो जाएगा, 14 × 14 कट जाता है बच्चों। एक बार में y का वैल्यूएशन आपका 1 बचता है। अब इस मान को आप समीकरण एक या फिर दो जहां आपकी इच्छा आप रख सकते हैं सुविधा के अनुसार। हम हर बार की तरह समीकरण एक में बच्चों रख रहे हैं, समीकरण एक में y का मान रखने पर ये आपको लाइन यहां पर लिख देनी है। समीकरण एक पहले उतार लेना है, समीकरण एक है बच्चों 3x + 4y 10। अब आपको ध्यान देना है 3x + 4, यहां गुना का चिन्ह छुपा हुआ है बच्चों, 4 गुना y के स्थान पे आपको जो भी ये 1 है ये y के स्थान पे यहां 1 को आपको डाल देना है = 10। अगर यहां x का मान आता बच्चों तो हम यहां x के स्थान पे रखते, यहां y का मान आया है बच्चों तो हमने यहां y के स्थान पे मान को रख दिया। अब बच्चों आपको यहां या का प्रयोग करना है, 3x + 4 × 4 गुना कर देना है बच्चों = 10, या 3x 10 के पास आप +4 लाइएगा बच्चों तो वो -4 हो जाएगा, +4 लगाने पर क्या होगा -4, या 3x 10 में से 4 गया 6 होता है बच्चों, या गुना में 3 कर लाओगे तो बटे में 3 हो जाएगी, 3 × 6 हो जाएगी, x आपका 2, इस तरह से x का 2 और y का आपका मान 1 आएगा।
बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, एक बार आप फिर से फोकस कर लो सवाल पे, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको, इसको वन और टू आपको पहले सपोजनी मान लेना है, उसके बाद एक दो मानने का, दोनों में गुना का चिन्ह देना है बच्चों। एक बनाने के लिए दो के फर्स्ट में दो है, यहाँ दो से गुना करें, दो बनाने के लिए एक के फर्स्ट में बच्चों थ्री है, इस थ्री से यहाँ गुना करें, फिर आपको दो से सबको गुना कर देना है, दो दिया ही छः, दो चौके आठ और दो दाही बीस। ओके बच्चों, अब फिर उसके बाद आपको फिर उसके बाद बच्चों आपको इस तीन से गुना कर देना है, तीन दुनी छह और फिर तीन दुनी छह, और फिर घटाव की क्रिया करनी है आपको। घटाने के लिए आपको चिन्ह बदलना अनिवार्य है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना है, फिर प्लस का उल्टा माइनस कर देना है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 6 घटाइएगा 14 हो जाएगा बच्चों, फिर प्लस 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 यानी जोड़ का चिन्ह होता है, 8 6 14 कर देना है, और प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा सेम सेम। फिर गुना में 14 बच्चों है, इधर लाओगे तो बटे में 14 हो जाएगी, या फिर सेम सेम दोनों पगल है, आप कट भी कर सकते हो, आप कट करने का आंसर 1 आता है। इस मान को आप एक या दो समीकरण में बैठा दो बच्चों, किसी भी एक में। तो मैंने समीकरण एक में y का मान रखा, समीकरण एक में y का मान रखने पर समीकरण एक को आपको यहाँ उतार देना है बच्चों, और उसके बाद 3x plus 4 यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, गुना का चिन्ह डाल के y के स्थान पे आपको ये 1 यहाँ पर डाल देनी है, 4 एक ही 4 प्लस 4 इधर लाओगे तो माइनस 4 होगी, 10 में से 4 गया 6, गुना में 3 बच्चों, तो ये 3 दूनी 6 दो बार में कट, x2 और y1, इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। आप एक और सवाल इस तरह का देख लो बच्चों, ताकि आपके अंदर से जो है संख्या वाले सवाल की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाए। संख्या का तात्पर्य बच्चों जो शुरू में संख्या दी हो, बीच में हो, इस तरह से संख्या तो कैसे बनता है, आप इसका एक पॉज करके देख ले बच्चों ध्यान से, मैं अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अब बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5x plus 8y 9 है और 2x plus 3y 4 है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप विलोपन विधि का कोई भी प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से बना लोगे। इसे बच्चों ध्यान से आप बने रहो इस वीडियो में, इसको आपको फिर से 1 और 2 सपोज कर लेना है। हर बार की तरह मैंने हमेशा से बताया बच्चों कि जब भी समीकरण दी हुई रहे तो समीकरण एक और दो आपको पहले मानना ही पड़ेगा, उसके बाद बच्चों इस दोनों में से आप गुना का चिन्ह डाल दो, और गुना डालने के बाद एक बनाने के लिए बच्चों दो के फर्स्ट में दो जो है, इस दो को आप यहाँ गुना करो, दो बनाने के लिए एक के फर्स्ट में 5 है, इस 5 से बच्चों यहाँ आप गुना कर दो, इस तरह से आपको बहुत ही आसान होगा। समीकरण एक दो मान लेना है, एक बनाने के लिए दो के फर्स्ट में इस दो से बच्चों गुना कर दीजिए, दो बनाने के लिए एक के फर्स्ट में आपका 5 है, इस 5 से यहाँ वो इजी में गुना करना, सारे को सिर्फ गुना करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस दो से हम गुना करते हैं बच्चों, इस दो से गुना करने के लिए दो, दो से दो पंच 10 होता है, फिर आपके पास 2 8 16 वाई होता है, और फिर 2 9 18 होता है, उसके बाद इस 5 से गुना करना है बच्चों, 5 से 5 दूनी 10 होता है, उसके बाद आपको 5 से 5 दिया ही 15 वाई होता है, और 5 चौके 20 होता है। इस तरह से आप गुना सिंपली कर दो। अब घटाओ की क्रिया करनी है ताकि ये कट हो जाए बच्चों, क्योंकि प्लस प्लस में कभी होगी नहीं कट ये, तो सारे का चिन्ह आपको बदल देना है, प्लस का उल्टा माइनस होता है, प्लस का उल्टा माइनस और प्लस का उल्टा माइनस होता है, सारे में आपको चिन्ह को परिवर्तित कर देना है, प्लस माइनस माइनस घटाना है बच्चों, 20 में से 18 गया 2, अधिक के पास चिन्ह देखना है, अधिक कौन है, 18 बड़ा है या 20 बड़ा है, ये इस पे ध्यान देना है बच्चों, तो इसमें बड़ा 20 है और अधिक के पास जो भी चिन्ह रहे वही आपको यहाँ डालनी होगी, तो अधिक 20 है, 20 के पास माइनस है, मैंने माइनस यहाँ डाल दी, प्लस माइनस माइनस, 20 में 18 गया 2, अधिक के पास माइनस, यहाँ माइनस डाल देना है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, 16 में 15 आता है 1y, अधिक के पास आपका प्लस, तो यहाँ अधिक के पास प्लस हो जाता है, फिर प्लस माइनस माइनस, इस तरह से बच्चों आपको ये सेम सेम है तो कट कर देना है, आपका वाई के स्थान पे बच्चों वाई का जो आंसर आता है -2, अब आपको इसको समीकरण एक में डालना है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों समीकरण एक में वाई का मान रखने पर,
समीकरण एक बच्चों दिया हुआ है आपका 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। आपको बस 5x को यहाँ पर डाल देना है, 8 यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ बच्चों, गुना देना है, y के स्थान पे माइनस 2 आपको यहाँ प्लांट कर देनी है इज इक्वल टू 9। मैं यहाँ कर देता हूँ बेस्ट विजिबिलिटी के लिए बच्चों 5x। ये देखो बच्चों यहाँ माइनस है तो क्रिया करनी है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, और इन दोनों को गुणा कर देना 8 × 16 इज इक्वल टू 9। यहाँ बच्चों ध्यान दो प्लस माइनस माइनस होगा, इससे मैंने यहाँ पर माइनस डाला और इन दोनों को गुणा कर दिया 8 × 16। फिर संख्या संख्या जात जात के पास जाएगी या 5x 9 के पास माइनस 16 लाइए प्लस 16 हो जाएगा, या 5x इस दोनों को जोड़ देना है बच्चों, 16 × 9 = 25 होता है, गुना में 5 है तो आप बटे में डाल दोगे। इस तरह से बच्चों x का 5 और y का -2 आता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। विलोपन विधि संबंधी आपके पास कुछ और सवाल हो जो आपसे सॉल्व नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में हमें आके कमेंट से बताएं कि आपको कौन सा सवाल पढ़ना है, उस नंबर के साथ बताएं बच्चों, मैं आपको उसे अवश्य सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको मेरी ये विलोपन विधि चैप्टर और सवाल सारे समझ में आ गए हों तो आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें बच्चों, ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।